एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जो है इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि नीट से यहाँ पर एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले, नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने नीट के मार्क्स के बेसिस पर, एंड आप लोगों को यूजी कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँगी, उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों को लगातार जो है मिलती रहे। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर MBBS BDS के तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो ही गए हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तो वो तो हमारे जो है नीट से पहले ही होते हैं, बट अदर कोर्सेज के भी जो यहाँ पर लाइक रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के जो है यहाँ पर जो है लाइक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो आप लोग जो है ये यहाँ पर जो नोटिस देख सकते हैं जो कि 11 नवंबर को जो है रिलीज़ किया गया था, यहाँ पर MBBS BDS के साथ साथ बी फार्मा कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन था। MBBS BDS एंड बी फार्मा में जो यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा उड़ीसा में, वो लिया जाएगा नीट के मार्क्स के बेसिस पर। आप लोग बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड बी फार्मा की जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर स्टेट कॉलेज है काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने के लिए मिलेगी, एंड काफ़ी अच्छा कोर्स है बी फार्मा, एंड आप लोग जो है बिल्कुल बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए जो है ये कोर्स कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, ठीक है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन मौका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 25 नवंबर को एक नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया गया है बी फार्मा कोर्सेज के लिए। मैं आप लोगों को कंप्लीट वो नोटिस भी दिखाऊंगी, एंड आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। देख सकते हैं 25 नवंबर को रिसेंटली में नोटिफिकेशन बी फार्मा एडमिशन से रिलेटेड रिलीज़ किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था, बट दोबारा से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट किया, फिर मैं बोलूँ कि दोबारा से आप लोगों को मौका मिला। तो आप लोग देख सकते हैं 30 नवंबर तक आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 30 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। देख सकते हैं दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नीट UG एंड इंटरेस्टेड इन बी फार्मा कोर्सेज। दे कैन नाउ पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एट द वेब पोर्टल ऑफ OGEE अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग इन जो रहेगी, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा ऑनलाइन, यहाँ पर हम लोग काउंसलिंग कंडक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करना होगा। चॉइस फिलिंग आप लोग 30 नवंबर तक जो है आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज odishajee.com पे आ जाना है, यहाँ पर odishajee.nic पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेई का, यहाँ पर नहीं, जेई से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी रिलेट ना करें। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर बी फार्मा की अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट जो लिंक है वो प्रोवाइड किया गया। देख सकते हैं हम आ गए हैं नेक्स्ट लिंक पे, एंड यहाँ पर आप लोगों को जो है दिख रहा होगा काउंसलिंग फॉर द बी फार्मा कोर्सेज, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है, एंड आप लोगों के सामने जो है कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। आप लोग जो है सिंपली इस फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे, आप लोगों को इस फॉर्म को जो है फिल कर देना है। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो है क्लिक कर देना होगा कि बी फार्मा के लिए मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि आप लोगों को अपना नेम वगैरह यहाँ पर फिल करना होगा, जितनी भी डिटेल 5 से 6 डिटेल आप लोगों से पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप लोग फिल करने के बाद आप लोग जो है फॉरवर्ड यहाँ पर मूव कर सकते हैं, आगे आप लोग जो है जा सकते हैं। उसके साथ साथ गुड न्यूज है आप सभी के लिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जितना भी अपना लाइक अप्लीकेशन फॉर्म है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि लिंक हमें मिलता नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो आप लोगों के जो लिंक है डायरेक्ट मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप लोगों को JEE काउंसलिंग 2021 फॉर द बी फार्मा, ठीक है, एंड सिंपली यहाँ से आप लोग जो है एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जितनी भी चीज़ें आप लोगों से मांगी गई है आप लोग फिल करते मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।